नमस्कार साथियों, सभी का बीएसआर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। 9 जून और 9 जून का पीटीटी का पेपर हो चुका है। लेवल कैसा आया पीटीटी पेपर का? कह रहे हैं कि 3 या 4 सालों से जो लेवल है पीटीटी का पेपर, यानी जो बीएड करेंगे 2 ईयर की या फिर 4 ईयर की, उनका जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जीके की अपन बात करें तो ये लेवल है 2021 की परीक्षा से लगातार है वो लेवल बढ़ रहा है। करंट अफेयर्स की जो इसके ऊपर भूमिका है वो काफ़ी प्रभाव है इसके अंदर छोड़ रही है। अपन चर्चा करने वाले हैं, पीटीटी 2024 का एग्ज़ाम हो चुका है, पूरा एनालिसिस करने के बाद में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि कट ऑफ कितनी कुछ रहेगी, और शानदार बात इसके अंदर करेंगे अब आपको आगे क्या कुछ करना होगा और रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिल जाएगा। और चिंता आपको किसी को करनी नहीं है, अगर आपके कम नंबर है फिर भी आपको कॉलेज मिलेगी, कैसे मिलेगी आइए चर्चा करते हैं। साथ में ये भी बताऊंगा पूरा लगातार आप इस बीएसआर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ अब बने रहे। सबसे पहले बात करेंगे पीटीटी 2024 का पेपर का लेवल कैसा आया। देखिए इसके अंदर पेपर के लेवल के अंदर 4 प्रकार का पोर्शन है, एक तो जीके का है, एक आपका हिंदी का या फिर इंग्लिश का, जिसका जिसका जो सब्जेक्ट है ठीक है, हिंदी है या फिर इंग्लिश है, संस्कृत है। एक आपकी शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि सबसे सरल पार्ट, और एक आपका है रीजनिंग का। रीजनिंग का कुल मिला के पूरे नंबर है 600, पूरे नंबर कितने हैं 600, और क्वेश्चन कितने हैं, सभी में क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 200 ठीक है। नंबर यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है नहीं। 2023 की कट ऑफ भी अपन बात करेंगे साथ में, और 2024 के अंदर कितनी रहेंगी और 2023 के अंदर क्या कुछ है रही थी। पहले चर्चा करते हैं पेपर का लेवल कैसा आया। तो पेपर का लेवल ऐसा मानो 2021 से लगातार ये पेपर का लेवल बढ़ रहा है, लेकिन पेपर का लेवल सिर्फ एक चीज़ के अंदर बढ़ रहा है, वो है जीके के अंदर। इस बार का जीके काफ़ी हार्ड है, और ये जीके है कहीं ना कहीं रिपीट जीके बिल्कुल भी नहीं है, नया जीके है वो आपके साथ देखने को मिला है। और 3 लगभग 4 या 5 जो क्वेश्चन है वो जो इतिहास की दृष्टि से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो वही है, यानी सेम है, रिपीट नहीं हो रहे बल्कि पढ़े हुए में से आ रहे हैं। तो सबसे जो कठिन पोर्शन जीके का रहने वाला है हिंदी है, सबसे अच्छी सरल थी, शिक्षण अभिरुचि का शानदार है, यानी इसके अंदर अगर आपने सही आंसर पूरा नहीं दिया फिर भी आपके 1 नंबर 2 नंबर भी मिलेंगे। एक आपकी रीजनिंग है, रीजनिंग के अंदर आपके जिनको वैसे पता होता है भाई रीजनिंग के अंदर मुझे कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, तो लगभग रीजनिंग का पोर्शन भी सरल था जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं। आपको कितने नंबर पर मिलेगी कॉलेज वो भी बात करूँगा, जनरल EWS OBC SC ST कट ऑफ कितनी रहेगी वो मैं बातचीत कर लूँगा आपके साथ में, क्योंकि पेपर का जो लेवल था ना हार्ड था, तो कट ऑफ क्या रहेगी थोड़ी कम रहेगी ठीक है। और एक बात और सुन लीजिए, जो भी विद्यार्थी मेरे साथ कहाँ से जुड़ा है कमेंट करके ज़रूर बताइए राजस्थान के कौन से ज़िले से आप जुड़े हैं। और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है पीटीटी 2024 के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, काउंसलिंग कैसे होगी, डॉक्यूमेंट वगैरह, यानी ए लेके जेड तक आपकी जितनी भी आपके इसके इन्फॉर्मेशन है मैं आपको सटीक तरीके से दूंगा। तो ये नंबर लिख लो, मोबाइल नंबर इस पर भी आप एक बार मैसेज वगैरह कर दीजिए, 78 52 83 35 39, व्हाट्सएप मैसेज करे आपके कितने नंबर बन रहे हैं, क्योंकि पेपर आपने सॉल्यूशन देख लिया है, आंसर के मिला लिया है, तो कितने नंबर आपके बन रहे हैं एक बार मैसेज ज़रूर करें, नाम सेव कर लीजिएगा ठीक है। पेपर लेवल हार्ड, कट ऑफ पर कितना प्रभाव, बिल्कुल कट ऑफ पर 100% प्रभाव पड़ेगा। पीटीटी 2024 कट ऑफ 2024 क्या है मैं बताऊंगा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट ऐसे मानो एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद लगभग 20 या 25 दिनों के अंदर रिजल्ट है, हमेशा है आ जाता है। लगभग अपन 9 जून की बात करें तो जून और जुलाई के अंदर, तो लगभग 20 जुलाई के समथिंग, कौन सा लगभग 20 जुलाई के समथिंग, एक दो दिन पीछे आगे भी हो सकते हैं, लगभग 1 मंथ के तुरंत बाद आपका रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। अब ठीक है 20 तक, अब 1 मंथ का मैंने क्यों बोला, पिछली बार 1 मंथ का है, अब 20 जुलाई की अपन बात करें तो लगभग 20 जुलाई तक आपका आ जाएगा। वैसे अपन बात करें जुलाई के अंदर पिछला सेशन शुरू हुआ था, तो 20 जुलाई तक आपके लगभग कार्य प्रोसेस में हो जाएंगे,
रिजल्ट है वो लास्ट आपकी 20 जुलाई तक आ जाएगा। और अगर जल्दी अगर हो, क्योंकि अब की बार क्या है, मैं रिजल्ट लेट इस कारण हो सकता है क्योंकि एग्ज़ाम मतलब थोड़े जल्दी हो गए, तो लगभग ऐसा मानो अगर जल्दी एग्ज़ाम की दृष्टि से देखो लगभग आपको 15 तारीख तक, 10 या 15 तारीख तक जुलाई के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। शानदार ये कह सकते हैं पेपर का लेवल है रहा। रिजल्ट कब आएगा मैंने बता दिया, लगभग आपके 10 से लेकर 20 जुलाई के आसपास रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि कोटा ओपन करवा रहा है इस बार, तो थोड़ा रिजल्ट के अंदर डिले हो सकता है। ठीक है, हमेशा एक माह लगता है तो एक माह से ज़्यादा भी लग सकते हैं। कारण क्यों है कि अब की बार कौन करा है, VMU यानी कोटा यूनिवर्सिटी वर्धमान महाराज, वर्धमान वाली जो यूनिवर्सिटी है वो करवा रही है। कट ऑफ की अपन बात करते हैं, सबसे पहले चलो 2023 की कट ऑफ की बात करूँगा, 2024 की बात करूँगा। आंकड़ा 5 या 7 नंबर का कम रहने वाला है। 2023 के अंदर आर्ट्स कैटेगरी की मैं बात करूँगा या फिर बात करूँगा साइंस की, तो जनरल कैटेगरी आर्ट्स के अंदर जो कट ऑफ रही थी पिछली बार 2 ईयर की वो रही थी 340 प्लस, यानी जिनका 330 प्लस वालों को कॉलेज मिली थी पहली, लेकिन जो कट ऑफ की मैं बात करूँ तो 340 प्लस कट ऑफ जनरल की रही थी। साइंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर चली गई थी कट ऑफ जनरल की 420 प्लस। AWS की 2023 की मैं बात करूँ यहाँ पर कट ऑफ रही थी 320 प्लस और साइंस में रही थी 400 प्लस। OBC की मैं बात करूँ, OBC की कट ऑफ AWS से ज़्यादा रहेगी, यहाँ पर रहेगी 330 रही थी और लगभग यहाँ पर रही थी 400। SC और ST की लगभग सेम रहती है, SC की रही थी लगभग अपने बात करी तो 325 के समथिंग थी, मुझे आज भी थोड़ा याद है। और ST की मैं बात करूँ तो यहाँ पर लगभग 320 प्लस, लगभग SC की मैं बताऊँ तो लगभग यहाँ पर OBC की 330 है, AWS की 320 है, SC की बात करूँ तो लगभग 320 पर हो गया था और ST की बात करूँ लगभग 300 नंबर पर यह नाम आ गया था। साइंस की मैं बात करूँ तो साइंस के अंदर यहाँ पर नंबर आ गए थे 390 और यहाँ पर लगभग 380 नंबर यह हो गया था। 2024 की मैं बात करूँगा, सबसे पहले आर्ट्स कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी, OBC, AWS, SC, ST, चलिए बात करते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँगा साइंस बैकग्राउंड की और यहाँ पर आर्ट्स बैकग्राउंड की। देखिए जनरल कैटेगरी अब की बार क्या है, पेपर का लेवल थोड़ा क्या है, पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड है, तो इस कारण कट ऑफ है वो थोड़ी कम जाएगी। देखिए जनरल कैटेगरी के अंदर आर्ट्स की जो कट ऑफ इस बार रहेगी वो आपकी सीधे सिंपल तौर पर रहेगी 330 प्लस वालों को मिल जाएगी कॉलेज और यहाँ पर लगभग 410 प्लस। OBC की मैं बात करूँ तो लगभग ऐसा मानो 320 प्लस कट ऑफ जा सकती है OBC की और साइंस की जा सकती है आपकी लगभग 400 प्लस। AWS कैटेगरी की मैं बात करूँ तो लगभग 310 प्लस, लगभग 310 या 15 प्लस नंबर AWS की जा सकती है कट ऑफ इस बार, और बात करें साइंस बैकग्राउंड की तो लगभग 395 प्लस। SC की मैं बात करूँ तो SC के अंदर आर्ट्स कैटेगरी के अंदर लगभग 300 प्लस नंबर और ST के अंदर लगभग 290 प्लस और यहाँ पर भी लगभग आपको लगभग 380 प्लस और लगभग 375 के समथिंग है वो कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ये कुछ शानदार और जानदार क्लासेज अभी चल रही है PTT की, चिंता न करें किसी भी चीज़ की। और आपको हर संभव PTT से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इन नंबरों पर व्हाट्सअप करें। और आपके कितने नंबर बन रहे हैं इस वक्त वो आप कमेंट में ज़रूर है मुझे जवाब दे दीजिएगा, कितने नंबर बन रहे हैं और कहाँ से हो बिल्कुल जवाब दीजिएगा। PTT 2024 के नाम से डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सअप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन आप ज़रूर कर लो। मिलते और भी शानदार और जानदार PTT वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।